चलो तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉवर्टी। चलिए, पॉवर्टी गरीबी किसको कहते हैं? देखो, पॉवर्टी जो सिचुएशन जहाँ पे लोग अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को, बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले शिक्षा दान, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, मेडिसिन, ठीक है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, एडुकेशन, हेल्थ। तो ऐसा सिचुएशन जिस जिसमें एक पर्सन इन सभी से किसी से फुलफिल नहीं कर पाता है, वही कहलाता है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एडुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। तो एक समरी फॉर्म में डेफिनेशन आपका पॉवर्टी का यही है। आगे देखिए, इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होती है तो मैन को क्या होता है, काफी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसका हेल्थ कम होता है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी घट जाती है, बीमारी होती है, डिसेबिलिटीज हो जाते हैं, अंधा, लंगड़ा या आपको बीमारी वगैरह क्रिटिकल हो जाता है, जिससे वो जीवन भर सफर करता है, ठीक है। और अगर वो एक क्रोनिक पॉवर्टी के सिचुएशन में, तब वो गरीबी में जन्म भी होगा, गरीबी में उसकी मृत्यु भी होगी, ठीक है। चलिए अब इस पर जाओ, हु आर द पुअर। इंडिया में गरीब हम किसको कहेंगे, ठीक है। गरीब मतलब क्या होता है कि कौन गरीब है? क्या एक रिक्शा वाला गरीब है, क्या एक ऑटो वाला गरीब है, ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग पैरामीटर सेट किए हैं जिसके हिसाब से गरीब और अमीर का डिफिनेशन फर्क किया जाता है। देखिए, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ द एसेट, कि वो काम क्या करते हैं, वो पैसा क्या है, क्या उनके पास एसेट्स कितना है, उस हिसाब से डिटरमाइन। जैसे अभी आपको पता है EWS कैटेगरी में गवर्नमेंट ने सेट किया है कि जिन जिनका इनकम 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए से कम है और जिनके पास जमीन कम है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर है। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है ना, पैरामीटर सेट करती है, डिफाइन करती है आगे हमें सारा कुछ पढ़ना है। गाँव के क्षेत्र में बेसिकली गरीब किसको हम कहते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, जिनके पास खुद की कोई जायदाद, जमीन प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो कोई खेती कर सकते, खेती के काम नहीं कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे नॉन एग्रीकल्चर जॉब में इंगेज हैं, जैसे खेत किसी के दूसरे के खेतों में काम करते हैं, या किसी के घर में गाय वगैरह हो गई, उसको उसकी सेवा वगैरह करते हैं, तो ये सब को बेसिकली रूरल एरियाज में उनको गरीब कहा जाता है। अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरिया में बेसिकली क्या होता है कि जो लोग गरीब होते हैं, जिन्हें पैसा नहीं हो, वो शिफ्ट हो जाते हैं रूरल से अर्बन में, कि चलो यार वहाँ भीख मांग के तो काम चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, गांव में तो और नहीं मिलेगा। इन अर्बन एरियाज पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु हैव माइग्रेटेड टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। दे आर यूजली द लेबलर्स हु आर एंगेज इन वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स लाइक रोड साइड वेंडर, पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैग पिकर्स एंड इवन बेगर्स। ये लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं गांव से, एरिया से शहरों में, ताकि हमको कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए बन जाए। जैसे आप देख रहे हैं, ये कूड़ा वगैरह बीनते हैं, प्लास्टिक, लोहा, और जाके उसको कबाड़ खाने में जाके उसको देते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है। कॉबलर ये मोची है, ये भी क्या है, सब गरीब की कैटेगरी में आता है बेसिकली। और ये इनके इनके जो घरे होते हैं वो वॉल मेड होते हैं, कच्चा हाउस होता है, ठीक है। और किन्हीं के पास तो खैर घर भी नहीं होता है, और वो स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं। दे डू नॉट हैव मनी, मनी चूंकि है ही नहीं, तो एडुकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जब एडुकेशन नहीं रहेगा तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ही नहीं, उनको सीवियर बीमारी, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस मेकिंग देम फिजिकली वीक, ये सब प्रॉब्लम्स उनको देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। उनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं हो पाता है। ड्यू टू अनस्टेबल लाइवलीहुड दे ऑफन रिलाई ऑन बोरिंग्स, और जनरली इनका लाइफ किस पर डिपेंडेंट होता है, बोरिंग्स, ये उधार ले लेके काम करते हैं और अपने खर्चों का भरपाई करते हैं। परसिस्टेंट इनडेबटनेस, क्योंकि कुछ सोर्स नहीं, ये बार बार उधार उधार लेके काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम इनके ये एक पॉवर्टी के, गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि उधार लोगे, उधार के पैसे को रिटर्न करना होगा, उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहाँ से, जॉब तो है नहीं आपके पास। तो इनका जो साइकिल का, ये गरीबी का जो जो सर्कल है, ये इसका कोई एंड नहीं होता, ये खत्म नहीं होता है, और सारे लोग ये सफर करते हैं इससे। कैटेगरी ऑफ पुअर, चलिए अलग अलग कैटेगरी है आप गरीबों के, उनको पढ़ते हैं। एक है ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर जो हम जो गरीब का गरीब ही रह जाएंगे, जिनका जन्म गरीबी में हुआ, जो गरीबी में रहे और मृत्यु भी उनका गरीबी में हुआ, ये लोग पॉवर्टी लाइन की रेखा के नीचे में रखते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, तो देखो गवर्नमेंट ने ना एक 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 पैरामीटर सेट किया है, ठीक है, कि आप अगर
पर डे अगर इतना से ज्यादा रुपया कमा ले रहे हैं, अर्न कर ले रहे हैं, तो आप गरीब नहीं है। और अगर आप पर डे इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि आप अपने आप को एक टाइम दो टाइम खाना खिला सकें, तो आप गरीब हैं। ठीक है, जैसे गॉबलर्स हो गया या कूड़ा कचरा बिनने वाला जो आप लोग देखते हैं, ये लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, ये लोग ऑलवेज पुअर होते हैं। दूसरा यूजली पुअर, यूजली पुअर मतलब बस साल में एक दो बार कभी ऑफ आ गया, काम नहीं था, खत्म हो गया, तो हम गरीब हो गए। जैसे अभी कोरोना में लोगों के पास जॉब चले गए, तो वो लोग कुछ दिन के टेम्पोरी क्या थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस उन्हें जॉब मिल गया, वापस भागे, जॉब मिल गया, तो गरीबी कम हो गया, मतलब वो अब गरीब नहीं रहे। तो ये यूजली पुअर कैटेगरी में। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जब कंस्ट्रक्शन में काम होता है, इनके पास पैसा आ जाता है, हालांकि ये पुअर की कैटेगरी में ही है, ये भी पॉवर्टी लाइन के नीचे में ही आएंगे। ठीक है, एज यूजली पुअर दीज पीपल रिमेन बिलो पॉवर्टी लाइन बट आर ओकेजनली बेटर ऑफ देन दोज हु आर ऑलवेज पुअर। इनका कंडीशन जो ऑलवेज पुअर वालों से कुछ बेटर होता है। ठीक है, तीसरा होता है क्रोनिकली पुअर, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर, दे आर ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन दो सम आर बेटर ऑफ देन अदर्स। ठीक है, तो क्रोनिकली पुअर में ये दोनों कैटेगरी के लोग इंक्लूड हो जाते हैं, यूजली पुअर और ऑलवेज पुअर, इन दोनों को मिला दो तो क्रोनिकली पुअर मतलब इनके गरीबी का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दोनों में से एक ही, जैसे रैग पिकर्स हैं, ये क्रोनिकली पुअर है, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये तुम्हारे क्या है, ऑलवेज मतलब यूजली पुअर वाले कैटेगरी के लोग आते हैं। तो क्रोनिकली पुअर में दोनों लोग आ गया, जिसमें ऑलवेज पुअर भी है और यूजली पुअर भी है। अब है चौथा, चर्निंग पुअर, दीज आर द पीपल हु कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन, स्मॉल होल्डर्स एंड सीजनल वर्कर्स आर द एग्जाम्पल। अ गुड हार्वेस्ट ऑइंग टू गुड मानसून मे ब्रिंग चीयर्स टू द स्मॉल होल्डर्स व्हाइल अ बैड हार्वेस्ट मे रुइन देम। जैसे किसान हो गया, अगर सीजन अच्छा हुआ, बरसात अच्छा हुआ, काफी ज्यादा उपज हुआ, काफी ज्यादा पैदावार हुआ, तो ग्रो कर गया। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, चलिए। ठीक है, और अगर फसल अच्छा नहीं हुआ, खराब हो गया, तो क्या हो गया, चले गए, मतलब खराब हो गया। जैसे अभी कोरोना में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, उनके यहाँ मतलब स्टूडेंट्स अच्छे खासे आ जाते हैं अगर परीक्षाएं सही टाइमली हुई, लेकिन परीक्षा अगर नहीं हुई टाइमली, जैसे रिजल्ट अभी 3-4 साल से पेंडिंग है, बच्चे लोग नहीं जा रहे, तो वो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो भी आ जाएंगे, तो वो हो गया टर्निंग पुअर। मतलब ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। पांचवा, ओकेजनली पुअर, ओकेजन मतलब कभी कभी, मतलब जैसे अभी मार्केट बंद हो गया, मार्केट डाउन है, सामान बिक नहीं रहा है, ठीक है, मिसफॉर्च्यून हो गया, कोविड हिट हो गया, तो फिर ढाबा वगैरह बंद हो गए थे, बाहर से लोग खा नहीं रहे थे, ढाबा वाले बेरोजगार हो गए, तो ये कभी कभी ओकेजनली पुअर हो जाता है। ठीक है, दीज आर पीपल हु आर ऑफन अबव द पॉवर्टी लाइन बट ओकेजनली स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन व्हेन मिसफॉर्च्यून हिट देम। एग्जांपल, पीपल अर्निंग स्मॉल स्टूडेंट्स हैड टू शट डाउन देयर बिजनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन इन द वेक ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, तुम्हारे ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में आ गए। फिर छठा, ट्रांजिएंट पुअर, दीज दोज इन द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर पुट टुगेदर इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पुअर। अगर हम इन दोनों को मिला दें कि ओकेजनली पुअर और चर्निंग पुअर की कैटेगरी में लोग, मतलब कि ऐसा लोग हैं जो कभी कभी गरीब गरीब हो जाते हैं और फिर गरीबी रेखा से ऊपर चल जाएंगे, फिर जब उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, उनका इनकम कम हो गया, वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए, तो वो लोग कौन से होंगे, ट्रांजिएंट पुअर में होंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिएंट पुअर इज दैट आर प्रोन टू स्लिपिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड कैन नेवर बी ट्रीटेड एज नॉन पुअर। इनका सब चांसेस ये है कि इनको कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आप गरीब नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रांजिएंट बोला जाता है। ठीक है, कि ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बोलोगे क्या ये गरीब साफ ही नहीं होंगे, तो आंसर ही नहीं। देखिए, पुअर और नॉन पुअर बेसिकली क्या होता है, देखो एक नॉन पुअर वो लोग होता है जिसके पास एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसके पास स्किल, नॉलेज, टैलेंटेड है, वो वेल एडुकेटेड है,
तो वो नन पुअर कैटेगरी में आएगा, लेकिन पुअर मतलब जिनके पास संभावनाएं नहीं है, जिनके पास अनसर्टेनिटीज है, वो लोग पुअर की कैटेगरी में, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। चलिए अब आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव मतलब एक के कंपेयर में हम उसको देखते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। देखिए इट रिवर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेज रीजन्स और कंट्रीज। जैसे यूएसए के कंपेयर में इंडिया क्या है, पुअर है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग मतलब कैसे बोले इसको, अलग अलग कैटेगरी में लोग हैं, एक रिच क्लास है, मिडिल क्लास है और एक गरीब क्लास है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि गांव वाले लोग शहरों वाले के कंपेयर में क्या है, गरीब है। रिलेटिव मतलब होता है कि जब हम कंपेरिजन करते हैं अलग क्लास में, अलग रिलीजन में, अलग कंट्रीज के बेसिस में, उनके रिलेशन में हम गरीब हो जाते हैं, हम उनके तो नहीं कमा रहे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पुअर है। देखिए द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर और रिलेटिवली पुअर इन कंपेरिजन टू द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हैविंग हायर लेवल ऑफ लिविंग। तो जब भी आप कंपेयर करते हो, किसी दूसरे से कंपेयर करते हो और आप उनके द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड में आप फुलफिल नहीं हो पाते हैं, आप अपने आपके पास वैसा इनकम नहीं है, आपके पास वैसा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपको हम पुअर करते हैं, ठीक है। देखिए रिलेटिव पुअर इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया शेयर इन द नेशनल इनकम ऑफ 20% ऑफ द पीपुल एट द बॉटम इज बियरली 8.1%, वाइल दैट ऑफ 20% ऑफ पीपुल एट द टॉप इज 53.2%। मतलब जो आबादी का जो एक 20% है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में 53.2%, और अगर हम जो अगर हम नीचे से लास्ट से मतलब अगर हम रिच मिडिल क्लास से लोगों का कंपेयर करें, अगर हम पुअर और मिडिल का मिला दे, तो वो लोग बस अकेले जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 8.1%। उनके कंपेयर में ये लोग जीडीपी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिच है, और इनके कंपेयर में हम क्या है, गरीब है। तो रिलेटिव पॉवर्टी होता है कि जब हम किसी दूसरे के रिलेशन के कंपेरिजन में जब हम क्या होते हैं, पुअर होते हैं, तभी होता है, ये पॉवर्टी कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो हो गया कि अब मैंने एक गरीबी रेखा, मैंने एक पैरामीटर सेट कर दिया, अब मैंने बोल दिया कि अगर आप इस पैरामीटर पे फुलफिल कर जाते हो, इस पैरामीटर पे आप सेट होते हो, अगर आप इसके ऊपर हो तो आप अमीर, आप गरीब नहीं हो, और इससे नीचे आप गरीब हो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब होता है कि मैं एक क्लियर कट एक बाउंड्री डिफाइन कर देता हूँ कि इससे ऊपर तो आप गरीब नहीं है, इससे नीचे तो आप गरीब हैं, ठीक है। देखिए इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइंस आर क्लासिफाइड एज एब्सोल्यूटली पुअर। तो जो इसके ऊपर में होते हैं वो उनको हम बोलेंगे पुअर नहीं है, और जो इस रेखा के नीचे वो थे, वो थे एब्सोल्यूट पुअर। तो इससे क्वेश्चन आता है रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है। चलिए पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट पढ़ते हैं अब। तो देखो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में आखिरकार हमको ये जानना था कि भाई हम गरीब और अमीर का पैरामीटर कैसे सेट करें, किसको हम अमीर बोले। एक मिनट जो ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या हो गया कि हमको जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का देखो, चूंकि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का बात हो रहा है, पॉवर्टी लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो उससे कौन सी पॉवर्टी मेजर होगी, आंसर है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी मतलब हम किसी दूसरे के कंपेयर स्टेट कंपेयर में कर रहे हैं, तो जब तक हम उसके तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमको गरीबी समझेगा, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी के लिए नहीं होता है, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका है पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन। द पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू ए कट ऑफ पॉइंट। क्या है, कट ऑफ है, यूजली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर विच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन प्योर। टू इलस्ट्रेट इफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रुपी इफ पर कट ऑफ फर्दर परम इज टेकन एज अ कट ऑफ पॉइंट। अगर हमें कहते हैं कि एक औसतन अगर कोई आदमी अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हर महीना कम से कम 1500 रुपया खर्च करता है, तो जो लोग 1500 रुपया इससे ज्यादा खर्च करते हैं वो गरीब नहीं है, और जो इससे कम करते हैं वो गरीब हैं, उनको गरीब माना जाएगा। एंड दोज मेकिंग अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1500 विल बी टेकन एज नॉन पुअर। ठीक है, यहां तक आप लोग बात समझे, मतलब इजी टॉपिक है, कुछ खास दिमाग में तो जोर लग नहीं रहा होगा। सिद्धांत समझ आ सर रहा है? हाँ, मतलब यस पानी किसका, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो।
कितने लोग इससे नीचे में है आबादी के, अगर मान चलो कि पॉवर्टी लाइन था ठीक है, उससे कितने लोग नीचे में है, तो उसका अगर हम प्रतिशत निकाले कि आबादी के 30% लोग हैं, तो यही 30% को हम हेड काउंट रेशियो भी बोलेंगे ठीक है। मतलब 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/2 मतलब हर दो अगर दो व्यक्तियों का देखा जाए उसमें से एक आदमी क्या है, गरीब होगा। अगर 1/3 आ गया तो हर तीन आदमी में एक औसतन आदमी क्या है, गरीब है। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:3। यही है तुम्हारा रेशियो, क्या, हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। तो इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट किसने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। दादा भाई नेहरू जी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ही कैलकुलेटेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन दी एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ही यूज मेन्यू फॉर ए प्रिजनर एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट अ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ही देन एडजस्टेड दिस कॉस्ट टू अकाउंट फॉर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ पॉवर्टी एंड अकॉर्डिंग अराइव द पॉवर्टी लाइन। तो ठीक है, इतना यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिटेल समझ में आएगा। एस्टिमेशन पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। दादा भाई नेहरू जी अज्यूम दैट इन इंडिया 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज ऑफ चिल्ड्रन एंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ ऑल एडल्ट। ही फर्दर अज्यूम दैट 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन कंज्यूम द वेरी लिटिल ऑलमोस्ट नील एंड अदर हाफ कंज्यूम दैट ऑफ व्हाट शुड बी एडल्ट कंज्यूम। मतलब कि हम लोगों ने पहले देखा कि हमारे आबादी का टोटल 1/3% लोग क्या है, जो बच्चे हैं। अब इस 1/3 का 1/2 कर दिए, तो 1/3 इसका भी हाफ हमने कर दिया, तो हो जाएगा 1/6 और दूसरा हाफ 1/6। तो इसमें से इन्होंने माना कि 1/6 क्या, जिनके पास खाना पीने के बिल्कुल, जो एक टाइम खाना खा नहीं सकते हैं, जैसे अभी जब चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में फैला था तो काफी बच्चे लोग डेथ किए थे। चमकी बुखार क्यों होता है, खाली पेट सोने से, खाली पेट रहने से ठीक है, गर्मियों में ठीक है। इसमें अदर हाफ क्या था, एक मिनट रुको, ठीक है देखिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया कि 1/6 हाफ था जो वो लोग बच्चे जिनके पास डाइट नहीं था, बाकी हाफ थे उनके पास डाइट था, और जो एडल्ट है, एडल्ट तो अपना कोई इंतजाम कर ही लेंगे, तो रिमेनिंग 2/3 ये लोग बच रहा हुआ ठीक है। तो इसी का जब ये रेशियो निकाल दिए, जब इन्हीं चीजों को सम टोटल किया गया तो आंसर कितना आ रहा था तुम्हारा, 3/4। रेजर आ गया। ही फर्दर एज्यूम दैट 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन कंज्यूम वेरी लिटिल ऑलमोस्ट नन एंड अदर हाफ कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द एडल्ट्स कंज्यूम। तो पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू 1/6 इनटू ऑफ नाइल डाइट, नील डाइट 1/6 हाफ कंज्यूम किए, और 2/3 ने क्या कंज्यूम किया, फुल डाइट कंज्यूम किया ठीक है। एक मिनट जाओ, ठीक है चलिए देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 1/6 आबादी थी उसने नील डाइट कंज्यूम किया, तो नील डाइट कंज्यूम का मतलब क्या होगा, उसे डाइट जीरो मिला ठीक है। 1/6 थे उन्होंने क्या, वो आधा पेट खाना खाते हैं, मतलब एक टाइम खाना उनको मिलता है, तो 1/6 ने हाफ किया, हाफ मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, और रेस्ट 2/3 है उन्हें फुल डाइट मिला, तो फुल डाइट मतलब क्या हो जाएगा, 1 ठीक है, 100% फुल कंप्लीट हुए तो हम 1 ही मानते हैं, तो 1 कंज्यूम कर दिया, तो जो रेशियो निकला वो निकला 3/4 ठीक है। दस द वेटेड एवरेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ थ्री सेगमेंट्स गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन व्हिच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक है। तो ये फॉर्मूला के माध्यम से उन्होंने ही बताया कि इंडिया की आबादी के कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब पॉपुलेशन के हिसाब से इसी तरीके से निकाल लिया जाता था कि ये लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कमी है, जो लोग अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो पॉवर्टी लाइन का डिसीजन यहीं से होता है कि जो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो मिनिमम कंजम्पशन का, जो डाइट का लेवल आएगा ठीक है, जो लोग इसको फुलफिल कर लेगा वो पुअर नहीं है, और जो इस 3/4 से भी कम उस कंज्यूम उसको खाना पीना डाइट मिल पा रहा है वो क्या है, पुअर है ठीक है। तो ये 3/4 का कंसेप्ट यही था। 3/4 क्या है, ये टोटल डाइट ठीक है,
मतलब पॉवर्टी क्या, पहले जब जब खा पी लेगा अच्छे से जब तब तभी तो बाकी काम कर पाएगा। तो जो इतना भी खर्चा नहीं कर पा रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो लोग क्या है, गरीब है। और जो इतना फुलफिल कर ले रहे हैं वो गरीब नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आज ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। आप लोग इसको आगे सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू करो, ठीक है। बहुत बहुत हार्ड नहीं है मैक्रो तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी पढ़ना, खुद से भी पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। कल रिवाइज करवाऊंगा और कल मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल 1 घंटे का क्लास चलेगा और कल के लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा 2 चैप्टर, 2 चैप्टर भी मैं, अच्छा वेंसडे है ना, इस हफ्ते तक कंप्लीट करा दूंगा आप लोग का, ठीक है। आज यही इतना ही रहने दो, आज कोई भी नहीं ज्वाइन किया आप दोनों के अलावा, ठीक है अंशु। यस बाकी अकाउंट्स वगैरह का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, अकाउंट्स में क्या चल रहा है, थोड़ा अपडेट बताना पढ़ाई का अकाउंट्स का। इशू ऑफ टर्म शेयर वन चल का, रहा है। अच्छा तो सर क्या था, टर्म वन के आगे का भी टॉपिक कंप्लीट पढ़ा रहे हैं क्या, कि टर्म वन वाला ही बस पढ़ा रहे हैं। सर आगे का भी कुछ हुआ है क्या? अच्छा आगे का भी कुछ हुआ है, ओके ओके। बुक वन सर कंप्लीट है, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है। और बुक बुक टू, दो बुक और है ना बुक वन के अलावा। यस सर अभी बुक टू चल रहा है, बुक थ्री कंप्लीट। ओके ओके ओके, ठीक है। तब प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, उसका भी मॉडल पेपर आ जाएगा तो उसको परचेज कर लेना, रिवीजन करते रहना, ठीक है। सर सैंपल पेपर ले लिए? यस अच्छा ले लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या, यस सर बिल्कुल। ओके ओके, आंसर के साथ है ना, यस सर ठीक है। तब उसको तुम शुरू का जो रटना रटना रटो या जैसे करो करो, क्वेश्चन तो उसी से ही रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, तब अगले क्लास से मिलते हैं फिर, ठीक है। जी।